हेलो एवरीवन आज हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन बैंक क्या होता है इसकी करेक्ट्रिस्टिक्स क्या है पर्पस क्या है क्यों क्वेश्चन बैंक बनाए जाते हैं और किस तरीके से ये हेल्प करते हैं एग्जामिनर की इवेल्यूएटर की वो जानने की कोशिश करेंगे बैंक जब भी आप वर्ड सुनते हैं आपको बहुत सारे पैसे जमा किए गए हैं ये आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि बैंक का नाम लेते ही कि वहाँ पर बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए गए हैं क्वेश्चन बैंक की जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक स्टोरेज आपको मिलती है लेकिन किसकी क्वेश्चन की तो क्वेश्चन बैंक एक प्लान लाइब्रेरी बोल सकते हैं कि टेस्ट आइटम्स की होती है जिसमें जो हमारा पर्पस है उसको पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है क्वेश्चन बैंक्स इज अ डाटा बेस ऑफ क्वेश्चन जिनको आप शेयर कर सकते हो बिटवीन एंड अमंग कोर्सेस ठीक है और जो क्वेश्चन बैंक है वो सर्चेबल है सो दैट क्वेश्चन मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम टू क्रिएट असेसमेंट दूसरी बात आपने ध्यान ये रखनी है कि क्वेश्चन बैंक uh, एक प्लान लाइब्रेरी की तरह हम यूज करेंगे जिसमें कि टेस्ट आइटम को डिजाइन किया जाता है जो हमारी पहले से ही डिटरमाइंड पर्पज है उसको पूरा करने के लिए ठीक है एट ईच ग्रेड लेवल द क्वेश्चन आर डिवाइडेड इंटू द डिवाइडेड इंटू टॉपिक्स वो कुछ भी हो सकता है आपके कोर्स के हिसाब से जैसे साइंस ऑफ एनर्जी एंड फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम uh, किसी साइंस के टॉपिक की बात करते हैं उससे रिलेटेड उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐड किए गए होंगे कुछ इसके डेफिनेशन आप देख लीजिए एन आइटम बैंक आइटम बैंक का यहाँ पर मीनिंग है क्वेश्चंस की बात हो रही है इस डिफाइन ये क्वेश्चन बैंक की बात हो रही है इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स दैट कैन बी असिस्ट फॉर टेस्ट डेवलपमेंट ठीक है एंड आइटम बैंक और क्वेश्चन बैंक इज द कलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स ऑर्गेनाइज क्लासीफाइड कैटेलॉग्स द ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइटी ऑफ अचीवमेंट एंड अदर टाइप ऑफ मेंटल टेस्ट ठीक है सिंपल सी डेफिनेशन हैं इनको आप ध्यान में रख लीजिए इससे मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है क्वेश्चन बैंक इसकी विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं कि वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक शुड बी विद इन द रेंज ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसिस एंड नॉलेज देखो क्वेश्चन बैंक में जो टेस्ट आइटम्स होंगी अब आप जिस भी बच्चे के लिए उस क्वेश्चन बैंक को यूज़ करते हैं मान लो किसी बच्चे को इवेलुएट करने के लिए उस क्वेश्चन बैंक की हेल्प से आप टेस्ट आइटम्स की सिलेक्शन करते हैं तो वो उस बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही उसमें ऐड की जानी चाहिए रेंज जितनी स्टूडेंट की है उसके अकॉर्डिंग ही उसको ऐड करना चाहिए क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन बैंक शुड प्रेजेंट अ चैलेंज टू स्टूडेंट्स विच स्टिमुलेट एन एजुकेटिव रिस्पॉन्स इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही टेस्ट आइटम्स को ऐड किया जाना चाहिए और यूज किया जाना चाहिए उस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बैंक मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द क्वेश्चन विद देअर आंसर इन ऑल द लैंग्वेज विद देअर कोरोस्पॉन्डिंग कोर्सिस कैटेगरीज एंड लेवल्स क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बनाए जाते हैं आंसर भी उनके साथ में ही फ्रेम किए जाते हैं और उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है क्वेश्चन बैंक कैन बी प्रिपेर फॉर एनी पर्टिकुलर कोर्स लेवल लैंग्वेज कैटेगरी इट कैन इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है आप जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें ऐड किए जाते हैं और साथ में जिस भी लेवल की लिए हमें क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है उस लेवल के लिए हम क्वेश्चन बैंक को फ्रेम कर सकते हैं ठीक है अब इसका क्या उद्देश्य है हमें क्यों जरूरत पड़ती है क्वेश्चन बैंक को डेवलप करने की तो पर्पस, पर्पस क्या है क्वेश्चन बैंक का वो भी हम समझ लेते हैं टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू ऑब्टेन पीपल्स ग्रोथ थ्रू इंस्ट्रक्शनल एफर्ट्स टू इम्प्रूव इवेलुएशन प्रोसेस देखो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपके बच यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी असेसमेंट उसकी इवेलुएशन प्रोसेस में हेल्प करता है उसी तरीके से आइटम्स को फ्रेम किया जाता है क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है जो कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशनल जो गोल्स हैं उसके तहत बच्चा काम कर रहा है उसे असेस करने के लिए हेल्प हमें मिलती है एज ए पूल ऑफ टेस्ट आइटम्स दैट कैन बी यूज फॉर फॉर्मेटिव एज वेल एज समेटिव इवेल्युएशन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस टू प्रोवाइड ए पूल ऑफ रेडीमेड क्वालिटी क्वेश्चन टू टीचर्स एंड एग्जामिनर्स सो दैट दे मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू असैस प्री डिटर्माइंड ऑब्जेक्टिव ये इसके उद्देश्य हैं एक पूल की तरह काम करता है रेडीमेड टूल की तरह हमें मिल जाता है बने बनाए क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं उससे टीचर का भी थोड़ा टाइम बचता है और बच्चों को इवेलुएट करने में भी आसानी हो जाती है ये इसका उद्देश्य है प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ क्वेश्चन बैंक देखो किस तरीके से क्वेश्चन बैंक को आप डिज़ाइन कर सकते हैं क्या उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सिलेबस को रिव्यू करने की जिस भी सिलेबस के लिए कोर्स के लिए आप वो क्वेश्चंस बनाएंगे फ्रेम करेंगे क्वेश्चन बैंक में ऐड करेंगे आइटम्स को तो पहले उस सिलेबस को देखना पड़ेगा ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर भी देखना पड़ेगा और कितने नंबर अलॉट uh, करने हैं यानी कि जो क्वेश्चन उसमें ऐड कर रहे हैं उसमें कितने मार्क्स आपने अलॉट करने हैं एग्जामिनेशनस किस हिसाब से होंगी वो भी ध्यान में रख के ऐड करने होते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिकॉल इंटरपटेशन एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है और कि कौन कौन से उसमें क्वेश्चन ऐड करने हैं ये सारी सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब भी क्वेश्चन बैंक को डिज़ाइन uh, किया जाता है या क्वेश्चन बैंक को uh, बनाने के लिए प्लानिंग की जाती है पहला uh, इसमें स्टेप्स uh, जो हैं वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें हम काम करेंगे प्लानिंग ये क्वेश्चन बैंक सबसे पहले प्लान कर लिया क्वेश्चन बैंक को उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ़ क्वेश्चन बैंक एंड कलेक्शन ऑफ़ टेस्ट आइटम्स जब आपने प्लान कर लिया प्लान करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको बताया ठीक है फिर उस प्लानिंग के ही पोर्शन में से आप निकालेंगे क्वेश्चन बैंक को डेवलप करने के लिए कलेक्शन ऑफ़ टेस्ट आइटम्स उस जब आपने सिलेबस को रिव्यू कर लिया क्वेश्चंस को देख लिया किस तरीके से दे ऐड करना है तो उसमें से आप फिर एक कलेक्शन टेस्ट आइटम की बना लेंगे ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन बैंक फिर आप एक क्या करेंगे एक ब्लू प्रिंट उसका बना लेंगे उसी के अकॉर्डिंग पूरा काम करेंगे ठीक है फिर आएगा वैलिडेशन उसकी वैधता कितनी है वो भी ध्यान में रखेंगे जिसके लिए आप बना रहे हैं वहाँ पर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है वो बात भी आपने ध्यान रखनी है रिव्यूइंग द क्वेश्चन जब इतने स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए फिर से आप क्वेश्चन को देखेंगे एक बारी चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन आपने फ्रेम किए हैं क्वेश्चन बैंक में ऐड करने के लिए क्या वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग जब ये सारे स्टेप्स आपने कर लिए फिर आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे रिकॉर्ड वो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो रिटर्न फॉर्म में टाइप कर सकते हैं ठीक है और किसी भी तरीके से उस उन क्वेश्चंस को स्टोर कर लेंगे डेवलपिंग सिस्टम फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी तो वो जो क्वेश्चंस आपने बना दिए उसको एक तरीके से आप कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंशियली uh, उसको स्टोर करेंगे सारी प्रिकॉशंस उसमें रखेंगे सोजेस्ट चेकलिस्ट टू रिव्यू द क्वेश्चन ठीक है और उसमें आ, कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप ध्यान में रखना जब भी आप क्वेश्चन बैंक के लिए क्वेश्चंस आइटम्स होती हैं जो उनको सेलेक्ट करते हैं विद इन द करिकुलम करिकुलम के अंदर ही वो क्वेश्चंस हो सिलेबस कवर हो जाए वेटेज टू टॉपिक्स हर टॉपिक को कवर करे इस तरीके से हो नॉट टू इजी नॉट टू डिफ़िकल्ट ज़्यादा ना इजी हो ना ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो फॉर्मेट क्या है वट अबाउट क्लैरिफाई किसके बारे में है वो क्लियर होना चाहिए ठीक है कोई रेपिटेशन नहीं उसमें होनी चाहिए और स्टैंडर्डाइज होना चाहिए यानी कि हर किसी के लिए वो एक जैसा ही हो हर कोई उसको इस्तेमाल कर पाए अगर क्वेश्चन बैंक आप यहाँ पर बना रहे हो फॉर एग्जांपल बीएड के लिए कोई क्वेश्चन बैंक आप बना रहे हो तो इस तरीके से बनाओ कि अगर वो लार्ज एरिया में लार्ज रेंज में वो एक्सेप्टेबल नहीं है एटलीस्ट आपके हिमाचल प्रदेश के जितने कॉलेजेस हैं वहाँ के लिए वो सेम uh, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इम्पलीमेंट कर पाए आपके बनाए हुए क्वेश्चन को असेस करने के लिए बच्चों को ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपने ध्यान में रखने हैं जब आप प्लानिंग करेंगे क्वेश्चन बैंक को बनाने के लिए ठीक है ये कुछ चेकलिस्ट थी जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपके साथ ऑलरेडी ये चेकलिस्ट है जब आप रिव्यू करते हैं क्वेश्चन पेपर को एक स्टेप यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर था रिव्यूइंग द क्वेश्चंस जब आप क्वेश्चन पेपर सॉरी क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं तो उसमें आपने ये चीजें ध्यान रखनी है चेक करना है एक चेक लिस्ट बनेगी आपकी कि ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए वो आपके क्वेश्चन में आपने कवर किए हैं या नहीं किए हैं अगर इन पॉइंट्स के बाहर आप क्वेश्चन बैंक बनाते हो यानी कि इन पॉइंट्स को ऐड करके नहीं बनाते हो तो कुछ ना कुछ कमी आपके क्वेश्चन बैंक में रहेगी ठीक है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बैंक अब आप आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि क्वेश्चन बैंक का अर्थ तो समझ लिया है कि सेट uh, होता है आइटम्स का क्वेश्चंस का लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस का तो वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बैंक या किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें होते हैं वो इससे हम समझते हैं इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस वो बताने की ज़रूरत नहीं आप समझते हैं ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर टाइप जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस इसमें ऐड करेंगे जिसमें आपको डिटेल में लिखना होता है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सेकेंड uh, है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एम जिनको भी आप समझते हो ऑप्शन आपके पास दिए होते हैं उसी में से आपने मल्टीपल च्वाइस आपके पास होती हैं उसमें से एक चॉइस को आपने सेलेक्ट करना होता है ठीक है एक आ, कोई ऑप्शन जो है उसको चूज करना होता है सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन कोई एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जैसे आ, मैंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आपकी कंट्री का नाम क्या है आपकी कंट्री की कैपिटल क्या है ठीक है तो एक आप एक सिंपल वर्ड में आंसर कर दोगे कि आपकी कंट्री का नाम इंडिया है कैपिटल न्यू दिल्ली है ठीक है मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस एवरी फील्ड एमसीक्यू इज मोर कॉमनली यूज मैथड ये तो आपको पता है लेकिन मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं एक इम्प्रूव्ड वर्जन है ये किसका सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन का ठीक है Uh, ये आपने देखा भी होगा कि कई बार आपके पास इस तरीके की स्टेटमेंट uh, स्टेटमेंट आती है कि मान लो आपने कोई एक क्वेश्चन पुट किया फिर उसमें एक स्टेटमेंट होती है ए ऑप्शन में है स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रिलेटेड बी ऑप्शन में है स्टेटमेंट आर ट्रू बट नॉट रिलेटेड ठीक है और थर्ड में आता है बोथ ए एंड बी एक फिर लास्ट ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज किसी भी एग्जांपल में तो उसमें क्या है कि ये मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स या फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स सेकेंड इज टू इस तरीके से जब आपके सामने ऑप्शन आते हैं तो वो होते हैं आपके मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन ठीक है लास्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज मेथड्स ऑफ असेसमेंट इन क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की हम यहां पर बात करते हैं ठीक है प्रैक्टिकल जो भी आपके एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होते हैं uh, तो इसमें ये ये जब uh, बनाते हैं सॉरी uh, जो क्लिनिकल क्लिनिकल मेथड या टाइप एग्जामिनेशन या क्लिनिकल एग्जामिनेशन की क्या uh, क्या एडवांटेजेस हैं एक तो ये वैलिड है वेल प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और बच्चे का इंटरेस्ट भी बनता है कि प्रैक्टिकली उसको ज़्यादा काम कोई करने को दिया जाता है तो वो अच्छे से उसको कर लेता है फीडबैक भी साथ साथ में मिल जाती है लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशंस की कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है समटाइम्स ये एग्ज़ामिनर के लिए बोर्डम सा बन जाता है ठीक है बच्चे तो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं टीचर एक बार इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप इस तरीके से अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करो टीचर का रोल थोड़ा सा उसमें कम होता है कि जब वो एग्ज़ामिनेशन होती है तो बच्चा ज़्यादा ही काम उसमें करता है ठीक है और लो एक्सेप्टेंस बाई एग्जामिनर ये भी कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं मेनली ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बैंक हैं इनको आप एक बार देख लीजिए अब यूज़ेस ऑफ क्वेश्चन बैंक कहाँ कहाँ आप क्वेश्चन बैंक को यूज कर सकते हैं ठीक है देखो Different type of questions selected from a question bank may be used for pre-testing and revision of lesson. In the preparation of textbook material, uh, a question poll can be utilized for preparing. रिव्यू एक्सरसाइज इन द टेक्सट बुक इस तरीके से देखो आपने पूरा कोई टॉपिक करवा दिया उसमें बच्चे ने कितना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन बैंक आप उनको ईजिली एक्सेस कर सकते हो वैन क्वेश्चन बैंक का एस्टेब्लिस इन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट कैन यूज दैम फॉर सेल्फ इवेल्युएशन उसके लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं जब उनके पास खाली टाइम होता है वैन क्वेश्चन ऑन ऑल टॉपिक ऑफ़ द प्रिस्क्राइब सिलेबस आर अवेलेबल पीपल कैन रिव्यू एंड रिवाइज द लेसन उनको एक हिंट मिल जाता है ना कि अगर हम इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे तो कौन कौन से क्वेश्चन किस फॉर्मेट में फ्रेम किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन बैंक वो अच्छे से उस चीज़ को पढ़ते हैं और खुद को इवेल्युएट भी करते हैं उन क्वेश्चन के आंसर देकर प्रेपरेशन ऑफ टीचिंग यूनिट्स और रिसोर्स यूनिट आल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एवेल्युएशन मटीरियल विच में बी पिक अप फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक ठीक है तो ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए इम्प्लीमेंट किया जाए तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प बहुत करता है टीचर के पार्ट में भी और स्टूडेंट के पार्ट में भी उनकी लर्निंग को इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आज के लेक्चर में हमने बात की क्वेश्चन बैंक की कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है उसका पर्पस क्या है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बैंक करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी आई होप आपको ये समझ आया होगा कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे